Hi guys, welcome back. Salar the ceasefire dinosaur is coming to roar. जी हाँ, सलार को लेकर आज बहुत ही मस्त एक न्यूज़, एक अपडेट निकल कर आई है और साथ में एक बड़ी अनाउंसमेंट का इंतजार है. क्या कुछ चल रहा है सलार को लेकर मार्केट में, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में. वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, चैनल को लो फटाफट सब्सक्राइब. बात करेंगे हम लोग सबसे पहले सलार द सीज फायर के बारे में, जो कि पिछले 10 दिनों से भाई साहब ये टॉप ट्रेंड में चल रही है. पहले चल रही थी नेगेटिव रीजंस की वजह से, बहुत सारी ट्रोलिंग. सलार देखा आपने शुरू से सलार का, जब भी हमने कोई कॉन्टेंट आया है, नहीं आया है, ट्रोलिंग जो है ये सलार के आसपास बहुत होती रहती है. लेकिन उससे एक पॉजिटिव चीज़ मुझे जो उसमें भी दिखती है, हर चीज़ में एक पॉजिटिव चीज़ होती है, वो जो दिखती है वो ये है कि सलार का हाइप जो है वो कभी किल नहीं हुआ. चाहे हमने देखा पिछले कई दिनों से पहले भी, जब ये पोस्टपोन हुई थी उसके बाद भी, चाहे न्यूज़ में बनी रही, उससे पहले भी न्यूज़ में बनी रही, ऑल द टाइम सलार का जो मैडनेस लेवल है ना, हाइप लेवल है, वो ऑर्गेनिक ही नहीं, मतलब उसको कहेंगे कि ऑन ग्राउंड लेवल पर ना वो बाप लेवल पर जा चुका है. तो उसी के चलते कुछ यू नो रिपोर्ट्स आई थी बीच में, कल भी रिपोर्ट्स आई थी. इनफैक्ट मैंने मिडनाइट में भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखी थी जिसमें हमारे को ये बताया जा रहा था सोशल मीडिया पे कि सलार एक बार फिर से पोस्टपोन होने जा रही है ड्यू टू इट्स यू नो जो भी उसके अभी तक उसका काम बाकी है, अभी तक शूट बाकी है, ऐसी ऐसी बातें, खबरें जो हैं ये आ रही थी. लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था और मैं आपको आज भी कह रही हूँ कि सलार की जो यू नो बज़ तो आप छोड़ ही दो, बज़ के बारे में आप उसकी डेट को लेकर कोई क्वेश्चन मार्क रखना ही मत. क्योंकि इस वक्त पर कल परसों जो मैंने आपको एक पोस्टर दिखाया, यही वाले पोस्टर में आप देख लो 21st of December 2023 जो डेट है, ये ओवरसीज मार्केट एग्जिबिटर्स की तरफ से ये डेट आई है. और हमने होमबाड़े फिल्म्स के बाहर भी जो बैनर्स और स्टैंडीज की पिक्चर्स देखी हैं उसमें 22 दिसंबर इंडिया में डेट मैंशनड है पूरी तरीके से, वो अपनी जगह से नहीं हिली है. तो फिलहाल सलार बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं है, अपनी जगह ऑन टाइम पर आ रही है. अब सुनो कहानी, सलार के जो ओवरसीज राइट्स हैं सबसे हाइएस्ट कॉस्ट में बिके हैं इन द साउथ इंडस्ट्री. जो भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी फिल्मों के राइट्स गए हैं अब तक, उसमें से सलार इज़ टॉपिंग द चार्ट्स राइट नाउ. तो बात करेंगे पहले उस पूरी लिस्ट की कि क्या क्या मूवीज़ हैं जिनके सबसे हाईएस्ट यू नो ये ओवरसीज राइट्स बिके. उसमें सबसे पहले नाम, मतलब ऑफकोर्स अभी तो सलार है, लेकिन सलार के बाद, सलार का मैं अमाउंट आपको बताऊँगी, उसके बाद बाहुबली 2 के राइट्स बिके थे 70 करोड़ में. उसके बाद नंबर 2 पे आती है RRR, 68 करोड़ में इसके राइट बिके थे. उसके बाद साहो 42 करोड़, देख रहे हो आप, दो तीन फिल्में तो प्रवास की हैं. राधे श्याम 23 करोड़, ओके. उसके बाद स्पाइडर 23 करोड़, उसके बाद SSMB 22 करोड़ में. और इसी के साथ सलार के जो राइट्स हैं ओवरसीज राइट्स, ये बिके हैं 72 फ्रीकिंग करोड़ में. ओवरसीज राइट्स की बात हो रही है और टॉलीवुड की बात हो रही है अभी यहाँ पे सिर्फ, ठीक है भाई साहब. नाउ दिस इज मैडनेस. RRR को पछाड़ा है, बाहुबली 2 को पछाड़ा है, साहो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है कॉन्टेंट पसंद नहीं आया था लोगों को, बहुत यू नो उससे परेशानी थी, राधे श्याम को कॉन्टेंट पसंद नहीं आया था, लेकिन नंबर्स के मामले में राधे श्याम और साहो भी बीस्ट्स हैं एंड दे बोथ आर प्रभास मूवी. अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि ओवरसीज मार्केट में प्रभास की क्या वैल्यू है. इसीलिए सलार को लेकर इतना एक्साइटमेंट बना ही रहता है ओवरसीज मार्केट में. नॉट जस्ट दैट, नॉट जस्ट ओवरसीज बल्कि इंडियन मार्केट्स में भी सलार को लेकर एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है और शुरू से रहा है. चाहे उनका पोस्टर आए चाहे ना आए, चाहे टीजर आए चाहे ना आए, अनाउंसमेंट आए ना आए, फर्क ही नहीं पड़ता है, लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं सलार को लेकर. और अब मैं आपकी एक्साइटमेंट को और बढ़ा देती हूँ क्योंकि एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ चल रही है यार मार्केट में सलार को लेकर. वो ये है कि आज के दिन हमसे सलार का कोई पोस्टर शेयर हो सकता है फ्रॉम द एग्जिबिटर साइड्स. यस, ये पोस्टर तो शेयर हुआ था लेकिन एक ऑफिशियल पोस्टर, मतलब ये मैं एक दो सोर्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं ऑलमोस्ट हर सोर्स जितने भी हैं साउथ में स्पेशली, सब जगह यही चर्चा है कि सलार का नया पोस्टर आ रहा है. आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, दिवाली का ये जो समय शुरू हो चुका है, मैंने आपसे कहा था 6 से 12 नवंबर के बीच में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर एक्सपेक्ट करना सलार की तरफ से, कुछ ना कुछ बड़ा आने जा रहा है. और जब हम ओवरसीज़ राइट सेल ऑफ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ओवरसीज़ कलेक्शंस की भी, जो कि US मार्केट में पहले ही खुल गई थी, जो कि 6 लाख पहले ही क्रॉस हो गई थी उस वक्त पे, 6 लाख प्लस US डॉलर्स क्रॉस हो गई थी. अब वो रिवाइव हुई है फिर से और अब ये देखना है कि वो कहाँ तक पहुँची. अभी वो नंबर अपडेटेड होकर, जिसको कहते हैं सिग्निफिकेंट वाला अपडेट, अभी नहीं आया है, जिसको सुन के मज़ा आ जाए लाइक वॉट. बट येस, लेट मी टेल यू, सोल्ड आउट AMC विद इन मिनट्स, सोल्ड आउट ये चल रहा है सलार को लेकर और ओवरसीज़ में मेनली. मुझे जहाँ तक लगता है सलार की जब हम कलेक्शंस की बात करेंगे ना, अब धीरे धीरे न्यूट्रल ऑडियंस में भी सलार का एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है और
हम जब हम ट्रेलर देखेंगे तब एक कह सकते हो कि पूरी तरीके से एनालिसिस, मतलब एक पता लग जाएगी हवा किस तरफ जा रही है सलार की, कि नॉर्थ इंडिया में सलार का क्या एक्साइटमेंट है, क्या लोग रियली सलार के बारे में बातचीत कर रहे हैं न्यूट्रल ऑडियंस में, फैमिली फ्रेंड्स के ग्रुप्स में, आर दे रियली एक्साइटेड फॉर सलार। जो मुझे लगता है कि जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी या हमारे सामने सलार का पोस्टर शेयर होगा, या ट्रेलर, पोस्टर तो चलो फिर भी ठीक होता है, ट्रेलर जब शेयर होगा ना, मैड लेवल एक्साइटमेंट हो जाएगा सलार को लेकर। मैं तो पहले से एक्साइटेड रहती हूँ सलार को लेकर, आपको पता ही है, बट आई एम श्योर दैट ऑल द सलार सपोर्टर्स, ऑल द प्रशांत नील सपोर्टर्स, ऑल द रेबल स्टार सपोर्टर्स आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस, कि भाई बस अब आप आज के दिन पोस्टर डाल ही दो, ताकि जो भी नेगेटिविटी चल रही है वो सारी की सारी उस पर फुल स्टॉप लग जाए। आई एम सुपर एक्साइटेड, आज नहीं तो कल, नहीं तो ये वाला जो समय चल रहा है दिवाली वाला, इसमें बिल्कुल कुछ ना कुछ बड़ा आने वाला है सलार का, ये तो बात पक्की है। तो देखते हैं अभी क्या होता है नंबर्स में, कहाँ तक जाती है सलार ओवरसीज़ एडवांस बुकिंग का, यूएस का कुछ सिग्निफिकेंट बड़ा चेंज आता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी उसके बारे में। क्या कहना है आपको सलार के बारे में, क्या लगता है इसकी एक्साइटमेंट जो है लोगों में क्यों है आखिर इतनी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी फिर लाइक दिस वीडियो की थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।